कर लिए। ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फिद्दीन। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर फबिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। हमने अपने तजवीद कोर्स के फर्स्ट मंथ में जो किया था वो हमने बेसिक रूल्स ऑफ तजवीद को देखा। हमने उसमें जी इख्फा, इजहार, इदगाम, इखलाब, गुन्ना, इन चीजों को हमने मेनली कवर किया था। ठीक है, सबसे पहले इख्फा। इख्फा के कितने लेटर्स थे? इंफॉर्मेशन पंद्रह 15 लेटर लेटर्स। होते हैं। 15 लेटर। हाँ 15 लेटर। आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, आ रही आ रही है। टोटल यानी हमने अच्छा मुझे ये बताएं टोटल कितने हरूफ हैं? हरूफ उल हिजा 29। बताएं। 29 29। आवाज नहीं आ रही मेरी। नहीं तो अब आई आवाज। टोटल हरूफ कितने थे? 29। 29 29। गुड। उनमें से हरूफ हल्के कितने थे? हमजा छ हमजा हा एन हा गैन खा। हा आइन हा गैन खा, इतने थे हरूफ। जी ये छह हरूफ कौन से थे? हरूफ हल्की, हल्फी। जी जो हलक से अदा होते हैं, इसलिए हमने लिखा है हरूफ हल्की। अब हमारे पास है कि हरूफ हल्की भी हो गए। हरूफ हल्की छह हमने देख लिए, उनके हमने मखारिज भी देखे। इसके साथ साथ हमने ये देखा हरूफ जौफे दहन के हरूफ कौन से होते हैं और बाकी हरूफ भी हमने देखे थे। आपको याद है कि भूल गए? नहीं याद है, मुझे याद है। आप बताइए क्या क्या बताइए, हम पूछिए बताइए, हम बताए। ठीक है, गुड। ओके, सुषुम से हमारे नाक के बांसे से कौन सा रूल अदा होता कहां से? है? सुषुम से नाक में, हमारी नेजल कैविटी से, नाक के बांसे से। मीम और नून मीम और नून, गुन्ना। उन्ना। मीम का तो ये अगर मखरज देखें तो जब आपका जो तर हिस्सा है वो आपके होंठों का मिलता है आपस में, तब मीम अदा होता है ना, जब आपके दोनों होंठ आपस में मिलते हैं, मीम बा, जी इस तरह मीम वो अदा होते हैं। इसमें आपने कंफ्यूज जी नहीं होना है। ठीक है, कुछ नहीं है मखारज, ठीक है, वो होते हैं आर्टिकुलेशन पॉइंट्स और कुछ होते हैं रूल्स। जी ओके, अब रूल्स और जी आर्टिकुलेशन पॉइंट्स कभी कभी ना इंटरमिंगल हो जाते हैं, तो हमने उसमें अपना कंसेप्ट क्लियर रखना होता है। अब जैसे नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद गुन्ना के हर्फ हैं। नून मुश और अगर गुन्ना का हमने देखना है, गुन्ना कहाँ से अदा होता है? वो नाक के अंदर से अदा होता है, हमारे खुशूम से अदा होता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि नून और मीम हमारे नाक से अदा होते हैं। नून और मीम मुशद्दद जब होगा तब गुन्ना होगा, और गुन्ना हमारी नेजल कैविटी से अदा। क्लियर हो गया? ठीक जी है, ओके, आगे चलें। हाँ आगे चलिए। अब जरा सा, अब आपका एडवांस लेवल शुरू हो गया, मीन्स कि आपने उतना कर लिया है जितना हमारे मदारिस में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि ये गुन्ना है, ये इख्फा है, ये दगाम है, ये कलाब है, बल्कि आपने ज्यादा ही किया है। ठीक है, अब हम मजीद एडवांस रूल्स की तरफ जाएंगे। हमने रॉ के भी रूल्स देखने, रॉ साकिना के, लाम साकिना के, ठीक है, और आगे भी इंशाल्लाह रूल्स देखेंगे। इदगाम जो हमने पढ़ा हुआ है उसके भी एक एडवांस रूल है, उसका हम उसको भी देखेंगे इंशाल्लाह। हमारा दांतों का स्ट्रक्चर है वो भी हम देखेंगे, हमारी जुबान का स्ट्रक्चर है वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता हम इंशाल्लाह चलते रहेंगे। सो अब हमारे पास है लाम साकिना रूल्स।
ठीक है। अब आप ने फरमाया कि जिस हदीस का मफहूम है कि जिसने कुरान को रिसाइट किया, यानी कि जिसने कुरान की तिलावत की एक्यूरेटली और प्रिसाइजली, इसका क्या मतलब है कि एक्यूरेटली प्रिसाइजली बिल्कुल तजवीज के रूल्स के मुताबिक, तो वो जन्नत में एक आला दर्जा पाएगा। तो ये आपके लिए एक मोटिवेशन पॉइंट भी है, यू आर स्टिल मोटिवेटेड, बट ये एक तरह का और आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा कर देगा, एंथुजियाज्म पैदा कर देगा तजवीद के हवाले से। क्योंकि जब आप किसी चीज की कोई सुनते हैं एडवांटेज, तब बहैसियत इंसान हम उस चीज के तरफ ज्यादा लपकते हैं, ठीक है, अनलेस अनटिल हमें उसका ना पता हो, ऐसा ही है ना। तो जी जी सही बात। अब है कि बीइंग अ मुस्लिम हम ये ट्राई करना है कि हम कुरान को अच्छी तरह पढ़ें, उसके लिए हमने तजवीद का कोर्स भी स्टार्ट किया है, तो आपने बेसिक कंप्लीट कर लिया है और हम एडवांस की तरफ जाएंगे, ठीक है। और डोंट थिंक सो कि आपने एक महीने में ही बेसिक कर लिया है, लोग 3 दिन में भी कर सकते हैं, ये कैरेबल के आपके जो कैपेबिलिटी होती है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है ना। तो ये ना जी जहन में लाइएगा कि आप 1 महीने के अंदर आपने बेसिक कवर कर लिया है तो आगे आपके साथ एडवांस में क्या हो, वो बेसिक सिंपल था और आपने उसके अंदर फॉलो अप किया था इसलिए वो आपका 1 मंथ में हो गया, वरना उसको भी 3 मंथ्स लग जाते हैं, 3 दिन भी लग जाते हैं, 3 मंथ्स भी लग जाते हैं, डिपेंड अपॉन द स्टूडेंट, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक हम आयत देखते हैं, तने फरमाया है एंड रिसाइट द कुरान विद अ चैंट, मींस के चैंट का क्या मतलब है, ये वो ही है तरतील के साथ पढ़ना। तरतील का मतलब मैंने आपको बताया था ना इन द फर्स्ट लेक्चर, कि तरतील का क्या मतलब है, तरतील जी 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 तरतीब मतलब जी मखारिज अदा कर तजवीद रूल्स के साथ। नहीं, समहाउ ठीक है, लेकिन तरतील का मतलब है ठहर के और आराम से खुशो खुशो के साथ, है ना, वरुत्तिल कुरान न तरतील, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मैंने कोट्स ऐड किए हैं इन द फॉर्म ऑफ हदीस भी है इसमें, ताकि आप हम क्योंकि एडवांस तरफ जाएं, ताकि आपको थोड़ा सा और एंथुसिएज्म मिल जाए। द वन हु इज प्रोफिशिएंट विद द कुरान विल बी विद द नोबल एंड राइटियस स्क्राइब्स, एंड द वन हु रीड्स इट एंड स्टम्बल्स ओवर इट फाइंडिंग इट डिफिकल्ट विल हैव टू रिवार्ड्स। हु सेड दिस? आवर लास्ट मैसेंजर मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। ओके, आप ने फरमाया है कि जो कुरान को बिल्कुल प्रोफिशिएंटली पढ़ता है, बिल्कुल ठीक तरीके से पढ़ता है, ठीक है, तो वो उसको अजर मिलेगा। लेकिन जो पढ़ने में डिफिकल्टी महसूस करता है उसको दो दोहरा अजर मिलेगा। अब डिफिकल्टी महसूस करने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि हमें अभी कुरान नहीं पढ़ना आ रहा तो हमें अजर मिलेगा, ये उस डिफिकल्टी की बात है कि जिस तरह हमारे कोई इस तरह का आपके अंदर आपकी जुबान में कोई मसला आ जाता है कि आप कुरान को सही तरह नहीं पढ़ सकते, यानी ये हदीस एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है, एग्जाम्प्ट नहीं कर दिया जी आपको कि आप अगर आपको नहीं पढ़ना 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 आ रहा। अल्लाह ने हमारे ऊपर जो लाजिम किया है वो है कोशिश, ठीक है, ये नहीं कि आपने तजवीज जी सीखनी ही सीखनी है, चाहे जो भी हो जाए आपको घोल के हम पिला दें आपको आ जाए, आपने जैसे कोशिश करनी है, आ जाए तो वेल एंड गुड, नहीं आए तो आपने बस चलते रहना, परेशान नहीं होना या कोई इसमें कोई आह नहीं महसूस करनी, ओके। साकिन का पता है आपको, हमने एक लेक्चर में साकिन को भी डिस्कस किया था, टर्मिनोलॉजी हमने कुछ डिस्कस की थी पूरे लेक्चर में जी हाँ, साकिन साकिन जी, किस तरह पता चलता है साकिन को? वो ऊपर वही जो जैसे अल है तो अल लाम के ऊपर थोड़ा सा वो बना होता है साकिन सर्किल। सर्कल, हाँ
हेलो जी ठीक है। हम कल इसके डिटेल में जाएंगे अपने लेक्चर की, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा वर्बली जी इसको देखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ हमने बहुत ही डिटेल कवर करनी है लाम के रूल के अंदर, ठीक है, इसलिए वो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अभी हमने वर्बल इसको बस समझना है, कंसेप्ट बनाना है, और वो कंसेप्ट आपको आता भी है। तीन हरकात होती है हमारे पास, जबर जेर पेश, इसका आपको आइडिया है। जबर को हम अरबी में क्या कहते हैं? फतहा। पेश को क्या कहते हैं? दम्मा। और जेर को क्या कहते हैं? कसरा। कसरा अब एक लेटर जब इन तीनों को फॉलो कर रहा होता है तो उस लेटर की अपनी नेचर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। लेटर को या जी तो हम हैवी पढ़ेंगे, मोटा करके पढ़ेंगे, या फिर बारीक पढ़ेंगे, लाइट उसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगर आपके पास बा और रा है, बा और रा है, रो बा रा जबर बर, अब इसमें रा क्या पढ़ा गया है? मोटा पढ़ा गया ना, बा रा जी जबर बर। इसी तरह अगर पेश आए, बा रा पेश बुर। बोर अगर जेर आए, बा या जेर बिर, यानी कि जब जबर या पेश आए हरूफे साकिना से पहले तो वो हरफ पढ़ा जाएगा मोटा, और अगर जेर आए तो वो हरफ क्या पढ़ा जाएगा? बारीक पढ़ा। लाइट आप इसमें जलाला किसको कहते हैं? इसमें जलाला, जी इसमें जलाला का पता है आप? नहीं, इसमें जलाला मुझे, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। इसमें जलाला अल्लाह का नाम। अब आपने ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, बीइंग अ तजवीज स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए। इसमें जलाला किसका नाम है? इसम का क्या मतलब होता है? ताला नाउन कहते हैं ना इसम को, इंग्लिश में नाउन कहते हैं। नाउन क्या होता है? एनी नेम ऑफ द पर्सन और या प्लेस जो भी है। तो इसमें जलाला अल्लाह का नाम, जिसमें जलाल है, सबसे बड़ा नाम अल्लाह, इसको आप मोटा करके पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे लाम से पहले जबर आता है अल्लाह, आपके जो जुबान है वो थोड़ी करवट भी देती है और ऊपर तालू के साथ भी लगती है। क्या अदा होता है? अल्लाह, अल्लाह नहीं अल्लाह, यानी कि पता चले, अल्लाह हाँ शाबाश, पता चले कि आप उस हस्ती, उस जात का नाम ले रहे हैं जिसने हमें पैदा किया, जो हमारा खालिक है, हमारा मालिक। इसलिए हमें कुछ और आए या ना आए, सबसे पहले अल्लाह का नाम सही लेना हमें जरूर आना चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ जी हमारे कुरा हजरात की कोई मीरास नहीं है कि उन्होंने ही अल्लाह कहना, कोई भी हो, मैं या आप, हमने भी अल्लाह कहना सीखना है। अब एक अल्लाह है, हम आम अपनी जिंदगी में ही कहते हैं ना अल्लाह हाफिज या अल्लाह खैर करेगा। अब हम इसको इसमें जलाला के तराजू में नहीं पढ़ रहे, और ये हमें इसकी कोशिश करनी चाहिए कि ये कोई एक तरह का, हमारे पास कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि एक जगह पे लाया होगा, ये एक जनरल रूल है जो आपने हर जगह पे लाया करना, यानी कि अपने हर मामले में अल्लाह, ठीक है। अब इसमें भी लाम का रूल है अल्लाह। अब जब जबर या पेश आए किसी भी साकिना हरफ से पहले तो उसको हमने मोटा पढ़ना है, और अगर जेर आए तो हमने उसको क्या पढ़ना है? बारीक पढ़ना है, ठीक है। और अगर ये हो जैसे हमारा बसमल्ला है, इसमें हम क्या करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्ला, अब बिस्मिल्लाह नहीं हम पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं? बिस्मिल्ला। हम यहाँ पे लाम को क्या कर रहे हैं? बारीक पढ़ रहे हैं, इसलिए जी अलोन अल्लाह का नाम इसमें जलाला, उसको मोटा पढ़ना है। बाकी जिसमें आए जैसे तस्मिया में या बसमिल्ला में आया है, तब आपने उसको बारीक ही पढ़ना है। अनलेस और अंटिल वहां पे जबर या पेश ना आए, जेर आ जाए, तब हमने उसको क्या पढ़ना है? बारीक पढ़ना है। बारिक और अगर हरफ से पहले या साकिना हरफ से पहले जबर या पेश आ गया था, तब हमने उसको क्या पढ़ना है? मोटा पढ़ना है, ठीक उल्टा बोलना है। जी।
अब हम थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। अभी तो कुरान तो हमारे पास है नहीं, अभी मीन्स के हमारे स्क्रीन पर शेयर नहीं हो रहा, तो मुझे तागुस सुनाई। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالله أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شيطان अब तो आप क्या पढ़ रहे हैं, मोटा पढ़ रहे हैं मोटा पड़ रहे जी, क्यों मोटा पढ़ रहे हैं, तो जो है, खरा जेर तो जो खरा है वो जेर। हैवी लेटर है, वो ये हाँ किंग वो लेटर स्पेल है। भी हैवी है। अच्छा आप कुछ लेटर्स हमने पढ़े थे कि वो नेचर वाइज ही हैवी होते हैं है ना, लेकिन जी जिस तरह कॉफ है वो हैवी लेटर है, लेकिन जबर जेर पे उसकी हैवीनेस को फ्लक्चुएट कर सकती है। ठीक है, अगर जी जबर या जी पेश आएगा हैवी तो पढ़ा जाएगा, और अगर आपका जो मोटा लेटर कॉफ है उससे पहले जेर आ जाए फिर आप क्या करेंगे, आप उसको मोटा लाइट पढ़ेंगे। पढ़ेंगे, आप लाइट उसकी मोटाई को मद्देनजर रखते हुए उसको बारीक पढ़ेंगे, यानी कि वो जी मोटा रहेगा लेकिन थोड़ी सी कमी आ जाएगी। ठीक है, जी जिस तरह बर क्विन, अब क्विन और कॉफ मोटा भी पढ़ा जा रहा है लेकिन हम उसकी मोटाई में कमी ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसके नीचे दो जेर लगे हुए हैं, या फिर अगर साकिन हरफ से पहले आपके पास जेर आ जाए तब आप उसको बारीक पढ़ेंगे। ठीक है, जी तो यानी कि आज के लेक्चर में हमने जस्ट एक कॉन्सेप्ट अपना कंसेप्शन को बिल्डअप करना था कि जबर जेर पेश फतहा दम्मा या कसरा लेटर के ऊपर किस तरह से असर अंदाज होते हैं, ये बेसिक कंसेप्ट आपको आना चाहिए, और इसमें जलाला अल्लाह का नाम वो भी आपको सही लेना आना चाहिए। ठीक है, ये अब आपने गौर करना, और जब आप रजिस्ट्रेशन तो रोजाना करते हैं ना, अब आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपको माशाल्लाह बेसिक रूप तजवीद रोज आ गए, अब आपने जबर जेर पेश को भी मद्देनजर रखते हुए उसको देखना। अभी तक आप ये कर रहे थे कि मोटे लेटर को आप मोटा पढ़ रहे थे बिना देखे कि उसके पहले कौन सी हरकत आ रही है, अब आपने ये देखना है कि अगर कोई लेटर आपके पास मोटा हैवी लेटर है तो उसकी हैवीनेस में कितनी कमी आ रही है। ठीक, आप तजवीद वाला कुरान पढ़ते हैं, कलर कोडेड? कलर कोडेड हाँ वही पढ़ते हैं ना, तो जी हाँ अब उसमें तो कलर से आपको अंदाजा हो जाता होगा कि जो ग्रीन लेटर होता है वो मोटा लेटर होता है, जो ऑरेंज जी टाइप जी का होता है उसमें आपने इरफा करना होता है, और थोड़ा सा जो रेड होता है उसमें हमने गुन्ना करना होता है, ब्लैक वाला लेटर जो होता है हमने उसको नॉर्मल तरीके से पढ़ना होता है, जी इस जी तरह जी के कुछ कलर्स हैं वो आपको पता होंगे। ठीक हाँ है, उससे उसको आपने देखना है, और अल्लाह का शुक्र करें कि ऐसा एक कुरान है हमारे पास उसके उसमें हम तजवीद को आसानी के साथ सीख सकते हैं, आपको कोई सही एफर्ट नहीं बात, करनी पड़ेगी कि अगर आपका कोई सिंपल हाँ कुरान हो आप उसमें देखें, और हम उस एक अभी जब हम आधा मन गुजार लेंगे इंशाल्लाह फिर हम मैं आपको ये कहूंगा कि आपने जो कलर कोडेड तजवीज वाला कुरान है वो आप नहीं पढ़ना। ठीक है, आप कितनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आप बिना कलर कोडेड तजवीज के ही वो सिंपल कुरान को उस तरह पढ़ सके। ठीक है, अब हमने इस पे इंशाल्लाह इसके कोई भी काम करना, पर टिल नाउ आपने अभी तक वही देखना है, वही वाला कुरान, और आज हमने सीखा आपने उसको अप्लाई करने की कोशिश करनी, सही बात, और कल हम इंशाल्लाह 6 बजे अपनी क्लास कंडक्ट करेंगे पाकिस्तान से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, जज़ाकअल्लाह खैरन कथीरा, ठीक है, अस्सलामु जजाक अलैकुम। अल्लाह, जजाक अल्लाह, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।